चुनाव। चुनाव एक व्यापक शब्द है। चुनाव अर्थात अनेक में से एक को चुन लेना। चुनाव इच्छित अपेक्षित वस्तु का, पशु पक्षी का, वर वधु या व्यक्ति का, किसी का भी हो सकता है। किंतु प्रस्तुत निबंध में चुनाव का अभिप्राय हमारी शासन व्यवस्था में भाग लेने वाले पंचायतों, नगर पालिकाओं, विधानसभा एवं संसद सदस्यों के चयन से है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव का अति विशिष्ट महत्व है। प्रजातंत्र अर्थात प्रजा की, प्रजा द्वारा, प्रजा के लिए शासन व्यवस्था, यह तो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। हम लोग अपने लिए, अपने ही द्वारा अपनों का चुनाव करें, इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यदि हम निस्वार्थ भाव से, व्यापक दृष्टिकोण से एवं विवेक से चयन करें, किंतु चुनाव का जो नज़ारा आज हमारे सामने है वह इतना भयावह, विकृत एवं विनाशकारी है कि कहते लिखते नहीं बनता। आज हमारे समाज में अधिकांश के ऊपर जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद एवं स्वार्थवाद का इतना गहरा नशा चढ़ गया है कि हम अपना ही आत्मघात कर बैठते हैं। चुनाव तिथि की घोषणा हुई नहीं कि नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। टिकट प्राप्ति की मदमाती होड़, पंपलेट, बैनर, भागती दौड़ती धूल गर्द उड़ाती गाड़ियां, चिकते चिल्लाते भोंपू, मतदाताओं को बहकाना, फुसलाना और धमकाना, झूठे आश्वासन, लुभावने वायदे, छोटी बड़ी जनसभाएं तो विशाल विकराल रैलियां। ज्यों ज्यों चुनाव की तिथि समीप आती जाती है, त्यों त्यों चुनावी माहौल का तापमान उच्च से उच्चतर हो जाता है। शासन प्रशासन व्यस्त व्यस्त और व्यस्त, मतदान कराने वाले अधिकारी पदाधिकारियों का रक्तचाप भी कम नहीं बढ़ता। लगता है चुनाव नहीं, किसी जंग की तैयारी है। बूथों पर तैनात अस्त्र शस्त्र से लैस पुलिस एवं जवान, धूल उड़ाती गश्ती, दल की गाड़ियां, फिर भी कहीं फायरिंग तो कहीं बम विस्फोट, कहीं बूथों पर मतपत्रों की लूटपाट तो कहीं कब्जा, कहीं मतदाताओं का अपहरण तो कहीं निर्मम शर्मनाक हत्याएं। मतदाताओं को ही नहीं, जननायकों और प्रत्याशियों को भी मत पेटियों की लूटपाट हेरा फेरी के साथ चुनाव नतीजे भी जैसे तैसे घोषित हो ही जाते हैं। बाहुबल और धनबल के इस खेल में सज्जनों, सुयोग्य जनों का पिछड़ जाना एवं धन कुबेरों, बाहुबलियों एवं जाति बलियों को आगे निकल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत क्या झूठ मूठ की बनी है। चुनाव प्रक्रिया की ये विकृतियां जनतंत्रीय प्रणाली के माथे का कलंक है। इस विकृतियों का कुफल हम सबको भोगना पड़ता है। नाग दुग्धपान कराने वाले को भी डसता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो हर वयस्क नर नारी को मतदान करने का अधिकार है। इस अधिकार पर किसी का दमन एवं शोषण नहीं होना चाहिए। मुक्त एवं निर्भय वातावरण में निष्पक्ष एवं निस्वार्थ भाव से मतदान होना चाहिए। इसमें जातीयता की बू नहीं आनी चाहिए, भाई भतीजे का भाव नहीं आना चाहिए, अनेक पार्टियों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। टिकट का बंटवारा एवं प्रत्याशियों का चुनाव जातीय आधार पर नहीं अपि योग्यता एवं कर्मठता पर होनी चाहिए। अपराधियों एवं बाहुबलियों का तो नाम तक नहीं लेना चाहिए।
प्रत्याशियों के लिए तो एक निर्धारित अच्छी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर देनी चाहिए। अंत में चुनाव हमारे सुखमय सुनहले भविष्य के निर्माण की पावन प्रक्रिया है। चुनाव स्थल युद्ध स्थल नहीं वरन एक तीर्थ स्थल है। हम पवित्र भाव से वहां जाएं और औरों को भी पहुंचने का अवसर दें। साथ ही सुयोग्य कर्मनिष्ठ देशनिष्ठ जननायकों का चुनाव करें। सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग के नीचे जो चैनल का सब्सक्राइब का बटन है आप इसे जरूर दबाइए और बगल में जो रिलेटेड वीडियो है आप इसे जरूर देखकर अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।